दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे पुष्लॉजिक के यूट्यूब चैनल पे और मैं प्रवीण सैन पुष्लॉजिक आज बात करूंगा आप लोगों से कि एक इंडिविजुअल को डीएमआईटी कैसे हेल्प करती है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा डीएमआईटी टेस्ट नहीं करवाया है तो जाके हमारे पुराने वीडियोस देखिए, आई होप आप लोग जरूर ये टेस्ट कराएंगे। खैर बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि एक इंडिविजुअल को ये रिपोर्ट कैसे हेल्प करती है, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर एक इंडिविजुअल को चैलेंज क्या आते हैं, उन चैलेंज को रिपोर्ट से कनेक्ट करके बताऊंगा। सबसे पहला चैलेंज जो एक इंडिविजुअल को आता है वो कहीं ना कहीं आता है रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी का। आपका जो पार्टनर है, आपके जो लव वंस हैं, उनके साथ में आपको चैलेंज लगता है कि क्या ये वो सही पार्टनर है जिसके साथ में मैं पूरी लाइफ प्लान कर सकता हूँ। या फिर आपको जो इंडिविजुअल को जो चैलेंज आता है वो कहीं ना कहीं ये आता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लगता है कि क्या मैं सच में यहाँ पे वो प्रोडक्टिविटी दे भी पा रहा हूँ या नहीं, क्या मेरी जो क्वालिटीज़ है क्या वो सही जगह इन्वेस्ट हो रही है या नहीं। तो ऐसे जितने चैलेंजेस हैं इनको आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे और बात करेंगे कि कैसे इनका सॉल्यूशन हो सकता है। तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। आज मैं दोस्तों आपसे बात करना चाहूँगा क्वेश्चंस के बारे में। इस रिपोर्ट के थ्रू आपको चार क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है। पहले हमें पता चलता है आईक्यू, जिसे हम सभी लोग जानते हैं इंटेलिजेंसी क्वेश्चन। इंटेलिजेंसी के बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि आखिर हमारी बुद्धि क्या होती है, हमारी इंटेलिजेंस क्या होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे आईक्यू इंटेलिजेंसी क्वेश्चन के बारे में, ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन के बारे में, थर्ड होता है हमारा सीक्यू यानी क्रिएटिव क्वेश्चन, और फोर्थ है हमारा एक्यू एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी क्वेश्चन मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स सिचुएशन में। पहला जो है हमारा आईक्यू। दोस्तों आईक्यू क्या होता है? आईक्यू होता है इंटेलिजेंसी क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये आईक्यू जो है ये कैसे हेल्प करने वाला है। आईक्यू आपको कैसे हेल्प करेगा? सपोज दैट अगर आप कोई जॉब या अगर कोई प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी इंटेलिजेंसी को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेरी इंटेलिजेंसी उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, मैं उतना रिजल्ट ओरिएंटेड वहां दे पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ये आपको अपना आईक्यू क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा। साइंटिफिक तरीके से रिपोर्ट आपको बताती है। और यहाँ पर अगर आपका आईक्यू जो है वो कहीं ना कहीं एवरेज है या थोड़ा सा कम है तो उसको इम्प्रूव करने के टिप्स भी हम आपको इस रिपोर्ट के अंदर देते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है जिसे हम लोग कहते हैं ईक्यू। दोस्तों ये बहुत ही एक इंडिविजुअल को हेल्प करेगा ईक्यू। ईक्यू क्या है? ईक्यू है इमोशनल क्वेश्चन। आप सभी लोग जानते हैं कि इमोशनली जो है हम लोग बहुत वीक होते हैं। अगर हमें किसी ने कोई बात कह दी, आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होती होगी कि अगर किसी ने मजाक में कुछ कह दिया, चुपती हुई कोई बात कह दी, तो दिमाग से निकलती ही नहीं है, काफ़ी दिन तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। या फिर अगर हम कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल छोटा सा अगर बॉस ने हमें कुछ कह दिया तो छोटी सी बात के ऊपर हम रेजिग्नेशन दे देते हैं। दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपके इमोशनल क्वोशेंट का, जो कि बहुत वीक है। इसी के साथ में हमारी लव लाइफ में भी इमोशनल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। सभी लोग जानते हैं कि हम इतने इमोशनल वीक होते हैं कि हमारे पार्टनर ने कुछ कह दिया तो हम लाइफ लॉन्ग उन चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं, या फिर हम हमारे बहुत सालों का रिलेशन एक छोटी सी बात से क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें बच्चों को भी ऐड करना चाहूँ, आज आप देखेंगे कि कितने सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही है। आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स में आए दिन आता है बड़े बड़े फिल्म जगत के लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इमोशनली हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं हैं, और ये हर जगह हमको चैलेंज आता है। लोगों के पास में हमारी चाबी होती है, वो जैसे चाहे हमें हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आपको साइंटिफिक तरीके से पहले तो ये बताती है कि आप इमोशनली वीक हैं या नहीं हैं, या फिर स्ट्रांग हैं। और अगर आप इमोशनली वीक हैं तो आप खुद को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, ये रिपोर्ट में आपको पता चलता है। थर्ड थिंग जिसे हम लोग कहते हैं क्या, सी क्यू क्रिएटिव क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप कोई ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी की नीड हो, जैसे कि मैं अगर बात करूँ डिजाइनिंग से रिलेटेड जितना भी काम है, वहाँ पे आपकी क्या चीज़ स्किल्स यूज में आती है, क्रिएटिविटी यूज आती है। या अगर मैं बात करूँ म्यूजिक की, या अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन की, या अगर मैं बात करूँ स्क्रीन प्ले की, ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे कोई रिपीटेड स्क्रिप्ट नहीं चलती है, जहाँ पे कोई प्रीवियस चीज़ें नहीं चलती है, जहाँ पे आपको रोज कुछ नया सोचना होता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है, तो वहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका क्रिएटिव क्वेश्चन कैसा है।
कि आप उतने क्रिएटिव हो या नहीं, या सिर्फ जैसे कि डांस मान लीजिए, अगर आप डांस किसी का कॉपी करके कर रहे हैं और आप एक बहुत अच्छे आप परफॉर्मर बन गए, लेकिन दोस्तों अगर आप डांस के टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको खुद के नए डांस स्टेप्स क्या करने होंगे, ईजाद करने होंगे। तो इस रिपोर्ट के थ्रू आपको ये पता चलता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, और अगर आप उतने क्रिएटिव नहीं है जो जॉब या जो कोई भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी रिपोर्ट आपको बताती है। इसके बाद में हमारा जो लास्ट है इसके अंदर पॉइंट, वो होता है AQ, एडवर्सिटी क्वेश्चन। AQ मतलब एडवर्स सिचुएशन, विपरीत परिस्थितियां। हमारे सबके लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसे चैलेंज आते हैं, एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पे हमारा ब्रेन चीजों के साथ में कैसे डील विद करेगा, संभाल पाएगा भी या नहीं। या कई लोग होते हैं जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ही पुअर होती है, जल्दी से हार मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एज ए, अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉय को देखूं, तो आपका जो एम्प्लॉय है क्या वो उतना इफेक्टिव है या नहीं, क्या वो जब सिचुएशन बिगड़ेगी तो उसको हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पेन को कितना ले पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलती है, आपके AQ से, आपके एडवर्सिटी क्वेश्चन से। तो दोस्तों अभी तक के वीडियो में हमने जाना कि IQ, EQ, CQ, AQ ये हमारी पर्सनल लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे ये चीज़ें हम हमारी लाइफ में इनके थ्रू चेंज कर सकते हैं, सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट कवर करना चाहूँगा जो कि है पर्सनल रिलेशनशिप। जैसे कि अभी हमारा जो ट्रेडिशन है इतने सालों का जो रहा है वो क्या रहा है कि हम लोग जो है अगर हम लोग आगे मैरिज करना चाहते हैं या अगर रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी को हम लोग देखते हैं तो देखने का तरीका क्या है, या तो हम लोग मीटिंग्स करते हैं उसके थ्रू चीज़ों को देखते हैं, या फिर हम लोग जो हमारा पुराना जो सिस्टम है आज तक का पत्री जन्म पत्री एंड ऑल जो सारी चीज़ें होती है उसके थ्रू हम चीज़ों को चेक करते हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहता हूँ और वो ये है कि अगर आप किसी से कोई मुलाकात कर रहे हैं, फर्स्ट आपकी मीटिंग्स हो रही है, डेट हो रही है, तो 2 या 3 या 4 डेट के अंदर आप किसी इंसान की एक्चुअल जो उसकी जो माइंडसेट है, उनकी जो जो भी सिचुएशन है, अगर मैं ये कहूँ कि आखिर उनका बिहेवियर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, वो आप 2 या 3 मीटिंग के अंदर नहीं जान सकते। तो यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से आप ये जान सकते हो कि हमारा जो जो भी हमारा लव वन है या कोई भी पर्सन है उनके ब्रेन की डोमिनेंसी क्या है। दोस्तों इस रिपोर्ट के थ्रू आपको ये भी पता चलता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग पर्सन है या फिर राइट ब्रेन डोमिनेटिंग पर्सन है। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए होते हैं कि आखिर एक लेफ्ट ब्रेन का जो डोमिनेटिंग पर्सन है उसकी क्वालिटीज क्या होती है, या फिर राइट ब्रेन डोमिनेटिंग पर्सन की क्वालिटीज क्या हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग पर्सन है जो कि एक लॉजिकल आदमी होता है, अब आपके जो लव वन है वो राइट ब्रेन डोमिनेटिंग पर्सन है, अब लाइफ के अंदर चैलेंजेस कैसे आना चालू होते हैं। मान लीजिए लाइक आई एम अ लॉजिकल गाय, अब मैं हर चीज को लॉजिकल एस्पेक्ट से देखता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकली देखता हूँ, लेकिन अगर मेरा जो लव वन है वो राइट ब्रेन डोमिनेटिंग पर्सन है तो वो हर चीज को इमोशनल ग्राउंड पे देखता है। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज रिपोर्ट के थ्रू पता चल जाती है कि आखिर हमारा जो व्यक्ति है जो हमारे लव वन है उनका माइंडसेट कैसा है, क्या हमारी रिलेशनशिप जो है वो बेस्ट रहेगी नहीं रहेगी। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, कोई जन्मपत्रिया मैं किसी को कोई भविष्य नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग भविष्य में खुश रहेंगे नहीं रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके ब्रेन की डोमिनेंसी क्या है, आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, आपकी थिंकिंग स्टाइल कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। और ये प्रूवन एक साइंस है जो मैं मेरे पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ डिटेल में, फिर भी अगर है तो एक और पॉइंट बता देता हूँ कि दोस्तों जब एक गर्ल जो है जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो मदर बनती है, तो जो वॉम्ब होता है, जो गर्भाशय होता है, वहाँ पे एक कुछ सप्ताह के बाद में हमारे फिंगर के जो प्रिंट्स हैं, जो रेजेज हैं, ये बनना चालू होते हैं, और सेम उसी टाइम पर हमारे ब्रेन भी चालू होता है डेवलप होना। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोरिलेशन होता है। और मैंने और डिटेल में बताया है, अगर आप इसकी और चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पे हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रूवन साइंस के थ्रू बताते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा है, जो कि आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो थैंक यू, आपने वीडियो को पूरा जाना। अब आगे के जो हमारे पार्ट्स हैं उनमें जानेंगे कि आखिर एक टीचर को ये DMIT जो टेस्ट है ये कैसे हेल्प करता है। तो दोस्तों
अगर इस चैनल पे आ गए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अपनी DMAT अभी तक नहीं कराई है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, जानिए कि इसके क्या चार्जेस होते हैं। बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में आप DMAT अपनी बना सकते हैं। एक ही बार में DMAT आपकी बनती है, लाइफ में दोबारा आपको नहीं बनानी है। सिर्फ एक बार रिपोर्ट बनेगी और लाइफ लॉन्ग सेम रहने वाली है। क्या इसकी कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे आपको इसमें एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे, तो जल्दी से कॉल कीजिए और इसके बारे में डिटेल से जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच।